मजदूरों को भी लॉकडाउन को लेकर भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वह लॉकडाउन को लेकर दूसरे क्षेत्र में फंस गए थे। हरदोई में रोहतक से ट्रक से पहुंचे मजदूरों को जब वाहन की अनुमति नहीं मिली तो पैदल ही घरों से रवाना हो गए। मजदूरों का कहना है कि काफी दिक्कतें उठाने के बाद वह लोग घरों के लिए निकले हैं। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलने पर हरदोई के कलेक्ट्रेट गोंडा क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान 8 मजदूरों ने अपनी कहानी प्रशासन को सुनाई। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण वह लोग रोहतक में फंस गए थे और फिर किसी तरह से ट्रक के सहारे हरदोई तक पहुंचे। यहां से ट्रक वाले ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया और प्रशासन से अनुमति लाने की बात कही। प्रशासन से वाहन से गोंडा जाने की अनुमति मांगने मजदूर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वह लोग ऑनलाइन आवेदन करें, जिसके बाद बताया जाएगा। इस बात से आहत होकर मजदूर पैदल ही घरों से चल पड़े। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उन्हें तमाम दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। फिर 3 दिन दुकान खुलती है, 3 दिन बंद रहती है। 8,000 रुपये तनख्वाह है और 3 दिन में 600 रुपये दिए, क्या खाएंगे क्या कमाएंगे। कैसे आए वहाँ? वहाँ से तो हम सापला तक तो पैदल आए जी। उसके बाद में सापला से फिर लेन के धीरे धीरे आए यहाँ हाईवे पे, गाजियाबाद वाले हाईवे पे। तो यहाँ हाईवे से जब पुल पे चढ़े तो ट्रक वाले मिल गए, वो बैठा के लाए हमारे को हरियाणा बॉर्डर वो छोड़े। हम यूपी वाले और हरियाणा वाले के बॉर्डर पे छोड़े, तो वहाँ से टोल टैक्स से मिल गया ट्रक, तो लाया ट्रक हमारे सबको यहाँ हरदोई छोड़ा। हरदोई से हम लोग अब कहाँ जाना चाहते हो, क्या मांग करो प्रशासन से? हम अपना घर जाना चाहते हैं बस। घर कहाँ? क्या बताया इन लोगों ने? इन लोगों ने कुछ नहीं बताया, बोले ऑनलाइन करवाओ। हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं, हम लोग घर जाना चाह रहे हैं। और वहाँ से बादल आए बॉर्डर तक, वहाँ से कोई सुविधा नहीं थी। ट्रक वाला एक लाया और बोला हम लोग लेके चलेंगे सीतापुर तक, यहाँ तक वो छोड़ दिया हम लोग को लाके। यहाँ आए थे, इन्होंने क्या बताया? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हमको समझ में आ रहा है इन लोगों की बात। प्रशासन ने क्या बताया आपको यहाँ? कुछ नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं। तो कैसे जाएंगे आप लोग? पैदल जाएंगे, क्या करेंगे, मर जाएंगे इधर ही सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.